नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। अब तक हमने जो हमारी जीएस का जो पहला जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, ब्लड वाला, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला, उसमें हम रक्त के बारे में पढ़ चुके थे कि रक्त क्या होता है। रक्त एक तरल संयोजी प्रकार का ऊतक होता है जो मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर होता है, जिसका पीएच 7.4 होता है। रक्त के भागों की अगर बात करें, प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा था कि लगभग 55% होता है, इसमें 92% जल होता है, रक्त का बहने वाला भाग बनाता है। यहां तक हम क्या कर चुके थे, अध्ययन कर चुके थे। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, उसके बाद रक्त कणिकाओं में भी हम आरबीसी तक पढ़ चुके थे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। इसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं, इनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें इनका उपनाम पता होना चाहिए। इनका उपनाम क्या होता है, इनके अन्य नाम या उपनाम की बात करें तो इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। एक चीज हमेशा याद रखना, जो मानव का जो शरीर है उसमें कुछ चीजें फिक्स होती हैं। जैसे अगर आपको कहीं पे भी ल्यूक मिले, कौन सा शब्द मिले, ल्यूक मिले, तो इस ल्यूक का मतलब होता है श्वेत। क्या होता है, श्वेत। तो अगर साइट मिले, क्या मिले, साइट, इसका मतलब होता है कणिकाएं। क्या होता है, कणिकाएं। ठीक है, तो देखो नाम से ही पता लग रहा है, ल्यूक का मतलब श्वेत, साइट का मतलब कणिकाएं, यानी श्वेत कणिकाएं। और किसकी कणिकाएं हैं, ये रक्त से संबंधित हैं, तो इनका नाम क्या हो गया, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका क्या हो गया, नाम हो गया। अब बात करते हैं इनके गुणों के बारे में। तो ये केंद्रक युक्त होती हैं, ये क्या होती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन इनमें वर्णक अनुपस्थित होता है। वर्णक क्या होता है, अनुपस्थित होता है, इनमें किसी प्रकार का कोई वर्णक नहीं पाया जाता। दूसरा, संख्या में, किसमें, संख्या में ये आरबीसी की मात्रा में क्या होती हैं, कम होती हैं। संख्या में ये आरबीसी की तुलना में बहुत ही ज्यादा कम होती हैं। हम इनका अनुपात पहले बता चुके थे कि आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी, यानी जहां पे 600 आरबीसी हैं वहां पे केवल एक क्या होगी, डब्ल्यूबीसी होगी। यानी आरबीसी की संख्या ज्यादा है, उसकी तुलना में डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ही क्या है, कम है। डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर इनमें केंद्रक पाया जाता है, इनमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, तो ये आरबीसी पर नियंत्रण करने का काम करती हैं। क्या करती हैं, आरबीसी पर नियंत्रण करने का कार्य करती हैं। आरबीसी पर क्या करती हैं, नियंत्रण का कार्य करती हैं। ठीक है, अब जो डब्ल्यूबीसी जो होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है कणिकीय, एक तो कैसी होती है, कणिकीय, और दूसरी होती है अकणिकीय, यानी ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्यूलोसाइट क्या होती हैं,
ग्रेन्यूलोसाइट और एग्रेन्यूलोसाइट दो प्रकार की होती हैं। अगर कणिकीय की बात करें तो कणिकीय जो होती हैं ये भी तीन लोसाइट होती हैं, ये भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मोनोसाइट और एक तो होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। एक तो होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। अगर बात करें सबसे बड़ी आरबीसी कौन सी होती है तो सबसे बड़ी आरबीसी होती है मोनोसाइट। सबसे बड़ी आरबीसी सॉरी सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है तो वो होती है मोनोसाइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके कार्य की। क्या करते हैं? कार्य की अगर बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी है ये शरीर में प्रतिरक्षा करती हैं। शरीर में किसका कार्य करती हैं? प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। अतः डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर के रक्षक या सैनिक कणिकाएं या क्या कहते हैं सैनिक कणिकाएं ये क्या हो गया? इनका कार्य हो गया। डब्ल्यूबीसी का क्या हो गया? कार्य। ये शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, अतः डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर के रक्षक या फिर क्या कहते हैं सैनिक कणिकाएं कहती हैं। जैसे ही कोई बाहर से आकर कोई रोगाणु अगर शरीर पर हमला करता है या फिर शरीर को रोगग्रस्त करने का कार्य करता है तो प्रतिरक्षा की जो सबसे पहली जो कड़ी बनाने का कार्य करती हैं वो कौन करती हैं? डब्ल्यूबीसी करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स। क्या पढ़ते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु। अगर वैसे बात करें वैज्ञानिक भाषा में तो इनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स ये जो बिंबाणु होते हैं ये आकार इनका गोल होता है। आकार कैसा होता है? गोल। और क्या काम करती हैं ये? ये रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। ठीक है, ये रक्त का क्या करती है? थक्का जमाने का कार्य करती है। यहां तक हमने ब्लड की तीनों सेल्स के बारे में पढ़ लिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर ये कहें एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, इन सभी के बारे में हम क्या कर चुके हैं? अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम हमारे शरीर के जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, शरीर का क्या है सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसका नाम है हृदय, जिसका नाम क्या है? हृदय, उसके बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। हृदय, हार्ट, किसके बारे में पढ़ेंगे? हृदय के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। हृदय क्या है? हृदय, अगर इसकी हृदय की बाह्य संरचना की बात करें तो होता क्या है? बंद मुट्ठी के आकार की संरचना
इसका आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है, इसका जो शेप होता है वो, ठीक है। अगर दूसरी बात करें तो होता कहां पे है ये? दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। फेफड़ों के क्या होता है? मध्य में स्थित होता है, ठीक है। ये दोहरे आवरण से घिरी हुई संरचना है। दोहरे आवरण से घिरी हुई क्या है? संरचना होती है, ठीक है। इसका जो दोहरा आवरण है इसको बोलते हैं हृदयावरण। इसको क्या बोलते हैं? हृदयावरण, ठीक है। जो जो हृदयावरण है, इस हृदयावरण के मध्य में हृदयावरणी द्रव्य भरा होता है। क्या भरा होता है? हृदयावरणी द्रव्य भरा होता है, जो क्या करता है? हृदय की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। हृदय की क्या करता है? बाह्य आघातों से सुरक्षा करने का कार्य करता है, ठीक है। ये तो किसकी बात हो गई? हृदय की नॉर्मल सी बात हो कि हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, दोहरे आवरण से घिरी हुई संरचना है जिसको हृदयावरण कहते हैं। हृदयावरण के बीच में क्या भरा होता है? हृदयावरण द्रव भरा होता है, जो हृदय की बाह्य आघातों से क्या करता है? सुरक्षा करता है। अगर बात करें जो हमारा पसलियां हैं, जो क्या हैं, जो पसलियां हैं, पसलियां हृदय को सुरक्षा प्रदान, पसलियां हृदय को सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। अगर बात करें हृदय के शेप की, किसकी बात करें? हृदय की संरचना की। अब हम बात करते हैं, देखो नॉर्मली अभी हमने बताया हृदय एक दोहरे आवरण से घिरी हुई क्या है? संरचना है। हृदय एक दोहरे आवरण से घिरी हुई क्या है? संरचना है। ठीक, ये देखिए हृदय के दो आवरण हो गए। हृदय के क्या हो गए? दो आवरण हो गए, एक तो बाहरी आवरण और एक आंतरिक आवरण। ये देखिए भाई, ये हमारे हृदय की क्या हो गई? संरचना हो गई सामान्य। ये क्या हो गई? हृदय की संरचना हो गई, ठीक है। इस हृदय की संरचना में देखिए, मानव का जो हृदय है, दोहरे आवरण युक्त, जिसे क्या बोलते हैं? हृदयावरण बोलते हैं।
इसके अलावा इसमें क्या उपस्थित है? हरद्यावरणी द्रव उपस्थित होता है, ठीक है। क्यार कोष्ठ युक्त होता है, दो जो ऊपरी कोष्ठ होते हैं वो दोनों आलिंद, और जो नीचे के दो कोष्ठ हैं वो निलय, वो क्या होते हैं? निलय कहलाते हैं। ऊपरी दो कोष्ठ आलिंद, नीचे के दो कोष्ठ निलय कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें रक्त लाने वाली सिरा महासिरा कहलाती है, क्या कहलाती है? महासिरा कहलाती है। और हृदय से शरीर में रक्त ले जाने वाली महाधमनी कहलाती है, क्या कहलाती है? महाधमनी कहलाती है, ठीक है। देखो अगर हम बात करें रक्त के लेके आने की बात करें, तो रक्त देखो सबसे पहले क्या होता है, रक्त जो होता है सबसे पहले ये है महाशिरा, ये क्या है? महाशिरा, जो क्या करती है? बूंद बूंद करके रक्त को लेके आती है आलिंद में, किसमें लेके आती है? आलिंद में। और ये कौन सा आलिंद है? दायां आलिंद। ये कौन सा आलिंद है? दायां आलिंद। ये क्या है? दायां निलय, दायां निलय। ये क्या है? बायां निलय। और ये क्या है? बायां आलिंद। ये क्या है? बायां आलिंद है। अगर ये बात करें तो ये है फुफ्फुसीय सिरा, और अगर इसकी बात करें तो ये है फुफ्फुसीय धमनी, अगर इसकी बात करें तो ये है महाधमनी, ठीक है। अब हम देखते हैं हृदय में रक्त किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से रक्त आगे की तरफ गति करता है, ठीक है। देखो सबसे पहले महाशिरा के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त को इकट्ठा किया जाएगा, इकट्ठा करने के बाद उसको दाएं आलिंद में लेके आया जाएगा, किस में लेके आया जाएगा? दाएं आलिंद में रक्त को लेके आया जाएगा, ठीक है। जब रक्त दाएं आलिंद में आ जाता है, जब रक्त किस में आ जाता है? दाएं आलिंद में आ जाता है, तो ये कपाट खुलते हैं, ठीक है। ये होते हैं द्विवलनी कपाट, ये क्या है? द्विवलनी कपाट। द्विवलनी कपाट, या फिर ये कह सकते हैं आलिंद निलयी कपाट, क्या कह सकते हैं? आलिंद निलयी कपाट। और ये है त्रिवलनी कपाट, ये क्या है? त्रिवलनी कपाट होते हैं, ठीक है। रक्त आता है, कपाट खुलते हैं, रक्त कहां चला जाता है? दाएं निलय में चला जाता है। दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से, किसके माध्यम से? फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से रक्त चला जाता है फेफड़ों में। रक्त कहां जाता है? रक्त जाता है फेफड़ों में। रक्त फेफड़ों में शुद्ध होता है, रक्त फेफड़ों में क्या होता है? शुद्ध होता है। जो कूपिकाएं होती हैं फेफड़ों की, फेफड़ों की कूपिकाओं के अंदर रक्त की केशिकाएं पाई जाती हैं, जहां पे क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जो रक्त अशुद्ध रक्त लेके आता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस रक्त को तो छोड़ देता है कहां पे? यानी उस रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड तो कूपिका में चली जाती है, और कूपिका में से जो ऑक्सीजन है वो किस में आ जाती है? हीमोग्लोबिन में आके जुड़ जाती है। और जैसे ही हीमोग्लोबिन में आके जुड़ती है O2, उसके बाद में रक्त शुद्ध हो जाता है, और जो शुद्ध रक्त होता है वो किसके माध्यम से? फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से किस में प्रवेश करता है? फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से प्रवेश करता है बाएं
आलिंद में, किसमें प्रवेश करता है, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में आने के बाद जाता है बाएं नीले में, और बाएं नीले में से जो शुद्ध रक्त होता है वो महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या कर जाता है, गति कर जाता है। ठीक है, ये तो हृदय के बारे में नॉर्मल सी जानकारी हो गई। अब इसके ऊपर पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं, जो रक्त परिसंचरण के बारे में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण के बारे में सबसे पहले किसने बताया, रक्त परिसंचरण की खोज, इसके अंदर आएगा विलियम हार्वे। क्या आएगा, विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। तो रक्त परिसंचरण में आता है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी, आरएच जो फैक्टर की खोज की थी, फैक्टर की जो खोज की थी वो की थी कोरलैंड स्टीनर। कोरलैंड स्टीनर वे विनर नामक वैज्ञानिक ने, और इन्होंने खोज किसमें की थी, ये याद रखना, मकाका रीसस नामक वानर में। ठीक है, अगला, शरीर का तरल संयोजी उत्तक क्या आएगा, ब्लड रक्त। ठीक है, इसके अलावा आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात, आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 क्या होता है, 600:1 होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन देखें, मानव में कुल कितने रक्त समूह होते हैं, मानव में कुल रक्त समूह कितने होते हैं, 4, कौन कौन से, ए बी और ओ। अगला, सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक ग्राही, अगर सार्वत्रिक दाता की बात करें तो ओ नेगेटिव, अगर ग्राही की बात करें तो ए बी, तो कौन होता है, ए बी होता है। ठीक है, इसके अलावा हृदय की गति का नियंत्रण पेसमेकर द्वारा, किसके द्वारा, पेसमेकर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये कुछ पिछली परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्या थे, क्वेश्चंस थे, जिनके बारे में हमने क्या किया है, अध्ययन किया है। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे हम अगले नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।